नमस्कार न्यूज क्लिक की डेली राउंड में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर देश में 24 घंटों में एक नए मामले 37 और लोगों की मौत पालघर पर जारी है सांप्रदायिक राजनीति कहना है निखिल वागले का क्या असर होगा लॉकडाउन का मध्यम वर्ग पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जाकरी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या तेईस हो गई है जिसमें से चार लोगों को ठीक किया जा चुका है और इस खबर के पढ़े जाने तक सात लोगों की मौत हो चुकी थी इस तरह इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या सत्रह है पिछले 24 घंटों में यानी 23 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर आज 24 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के एक नए मामले सामने आए हैं और सैतीस लोगों की मौत हुई है साथ ही बीते दिन में चार लोगों को ठीक भी किया जा चुका है इस तरह कुल सक्रिय मामले एक नए मामले जो हैं वो जुड़ गए हैं आईसीएमआर द्वारा आज 24 अप्रैल सुबह नौ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार कल पांच लाख इकतालीस हजार सात सौ नवासी सैंपल की जांच की गई है जिसमें से इकतालीस हजार दो सौ सैतालीस सैंपल की जांच बीते चौबीस घंटों में ही की गई है देश भर में सबसे अधिक नए मामले चार राज्यों से सामने आए हैं जिनमें महाराष्ट्र में सात सौ अठहत्तर नए मामले आए हैं और वहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 6430 हजार चार सौ तीस हो गई है गुजरात से दो सौ सत्रह मामले आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या दो हजार सौ चौबीस हो गई है दिल्ली से एक सौ अट्ठाईस मामले आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या दो हजार तीन सौ छिहत्तर हो गई है और मध्य प्रदेश से एक सौ सात मामले सामने आए हैं जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या एक हजार सौ निन्यानबे हो गई है साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से बयालीस और मामले सामने आए हैं राजस्थान से चौहत्तर उत्तर प्रदेश से इकसठ पश्चिम बंगाल से अंठावन तमिलनाडु से चौवन पंजाब से छब्बीस जम्मू कश्मीर से बीस कर्नाटक से अट्ठारह तेलंगाना से पंद्रह हरियाणा और बिहार से दस मामले केरल से नौ उड़ीसा से सात झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से चार चार मामले उत्तराखंड और आसाम से एक एक मामला सामने आया महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर दूर, दूर पालगढ़ शहर के पास गढ़चिनल गांव में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की दुखद करते हुए लिंचिंग हुई। इस पर राजनीति भी काफी सक्रिय है आखिर वहां हुआ क्या था और किस तरह से फेक न्यूज के जरिए इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है बता रहे हैं निखिल वागले आइए सुनते हैं उन्हें इस पूरे मामले को कोई धार्मिक कलर नहीं है कोई जातिवादी कलर नहीं है और शायद कोई पॉलिटिकल कलर भी नहीं है लेकिन क्या हुआ देखिए बीजेपी के बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा या आरएसएस के एक कद्दावर नेता सुनील देवदर जो नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस का और बीजेपी का प्रचार कर चुके हैं और जिनके ऊपर त्रिपुरा की भी जिम्मेदारी थी इन दोनों ने ट्वीट करना शुरू किया कि इसमें कम्युनल एंगल है इसमें सीपीएम के लोग शामिल है क्योंकि ये सीपीएम का गढ़ माना जाता था हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जिन्होंने लिंचिंग किया उसमें गांव वाले शामिल थे आसपास के गांव के भी कुछ लोग शामिल थे पुलिस ने आज तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया है और महाराष्ट्र सरकार ने इन लोगों के नाम भी बुरी तरह से पब्लिक कर दिए हैं इसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है देखिए हमारे समाज के ऊपर क्या गुजर रही है क्योंकि हम लोगों को इसमें मुसलमान नहीं है ये साबित करने के लिए लिंचिंग में शामिल जो गिरफ्तार लोग हैं उनके लिस्ट पब्लिश करने पड़ रहे ये हालत है हमारे समाज की ये हालत है महाराष्ट्र की लेकिन बात ये है कि बीजेपी के जो जो नेदा है नेता है उन्होंने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि इसमें सीपीएम के लोग शामिल है क्योंकि ये सीपीएम का गढ़ था ये जरूर बात है कि ये पूरा डाणू का जो इलाका है वो एक जमाने में सीपीएम का गढ़ था वहां किसान सभा के कार्यकर्ता है वहां आज भी इस इलाके में सीपीएम का एमएलए है लेकिन सच बात यह है इस लिंचिंग के साथ सीपीएम के किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी लेना देना नहीं था फिर भी बीजेपी के समर्थकों ने व्हाट्सएप पर सीपीएम के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम पब्लिश किए और कहा कि ये कार्यकर्ता जिम्मेदार है पुलिस ने जिनको गिर, गिरफ्तार किया है इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जिस गांव में ये लिंचिंग हुआ है उस गांव की पंचायत बीजेपी के कब्जे में है और गांव की जो सरपंच है चित्रा चौधरी वो भी बीजेपी की कार्यकर्ता है तो ये राजनीति करने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं सीपीएम को और उनका दूसरा टारगेट है एनसीपी के कार्यकर्ता एनसीपी के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी मौके पर जरूर थे लेकिन वो पुलिस के साथ आए थे और वो इन तीन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जो मौत था उस मॉब ने चौधरी की कुछ भी नहीं सुनी जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको ही बीजेपी वाले टारगेट कर रहे बीजेपी, बीजेपी वाले चाहते हैं कि पालघर लिंचिंग को एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाए क्योंकि उनको लगता है पालघर लिंचिंग के पीछे छिपकर ये सारे बीजेपी के लोग महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना बना सकते हैं इसके पहले आठ दिन पहले पिछले हफ्ते बांद्रा की घटना हुई थी बांद्रा के बाद पालघर की लिंचिंग की घटना हुई है जिसमें कम्युनल कलर कुछ भी नहीं है फिर भी बीजेपी वाले सीपीएम को टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, या फिर एनसीपी को टारगेट कर रहे हैं। आज वहां हालात ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने सी के पास पूरा मामला सौंप दिया है और सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन चालू हो रहा है लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती मेरा कहना यह है कि आप खोजिए किसी भी किसी भी लिंचिंग के केस को खोजिए इन्वेस्टिगेट कीजिए अफवाहों के आधार पर लिंचिंग की पूरी कहानी शुरू होती है और मेरा सवाल यह है पिछले साल मैंने एक वीडियो भी बनाया था न्यूज क्लिक के लिए उसने भी मैं मैंने यही सवाल पूछा था अफवाहों की ये राजनीति किसने शुरू की है आपको मानना पड़ेगा ये सारी राजनीति बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के समर्थकों ने मोदी जी के भक्तों ने और जो हिंदुत्ववादी राजनीति करना चाहते इन सारे लोगों ने शुरू की है लॉकडाउन से तो एक तरफ जहां देश के गरीब और वंचित वर्ग परेशान है वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्ग पे भी इसके असर देखने को मिलेंगे इस बात पर बात और अपनी बात रख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और आइए सुनते हैं मिडिल क्लास को ज्यादा नुकसान पहुंचा है सबसे गरीब जो 20 प्रतिशत हैं उनसे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस लॉकडाउन से मैंने कहा कि आपको लगेगा कि भाई साहब अभी क्या बात कर रहे हैं हमने देखा कि गरीब कैसे अपने घर जा रहे थे गांव जा रहे थे किस तरीके से बहुत लोग मर गए कितने भूखे लोग हैं रोड पर घूम रहे हैं लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं 2018 में भारत की जो आबादी थी वो लगभग 135 करोड़ थी और इसका मतलब है लगभग 27 से 28 करोड़ हमारे देश में परिवार थे यानी कि हाउस होल्ड थे और उसमें से अगर मैं देखूं तो साढ़े छब्बीस करोड़ परिवारों के पास काम था क्योंकि 2016 का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सरकारी डेटा है उसमें हमें पता चलता है कि पाँच प्रतिशत ऐसे लोग हैं हमारे देश में लगभग डेढ़ करोड़ परिवार जिनके पास कोई काम नहीं था और याद रखिए कि लगभग 40 करोड़ लो कामगार हमारे देश में है तो 40 करोड़ कामगार साढ़े छब्बीस करोड़ घरों में लेकिन हम अगर सिर्फ सैलरीड लोगों का देखें सैलरीड लोगों का देखें तो औसतन एक परिवार में एक दशमलव तीन लोग सैलरीड काम करते हैं जिनको सैलरी या वेतन मिलता होगा तो हम देखते हैं कि 2018 में ये जो साढ़े छब्बीस करोड़ परिवार हैं जिसमें 40 करोड़ परिवारों के लोगों के पास नौकरी थी या काम था उनमें से सिर्फ साढ़े पांच करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है साढ़े पांच करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है अब मैं अगर इसको Uh, 1.3 जो मैंने कहा कि एक परिवार में लगभग 1.3 पॉइंट एक दशमलव तीन लोग काम करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि लगभग चार दशमलव दो करोड़ लोग परिवारों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ होगा अब आप देखिए औसतन 30 से साठ हजार रुपए महीने फैमिली इनकम मतलब परिवार एक आदमी का नहीं परिवार का औसतन इनकम ऐसे लोग दो करोड़ ने इनकम टैक्स फाइल किया है दो दशमलव तीन करोड़ यानी दो करोड़ तीस लाख फैमिली में इसको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं क्योंकि तीस हज़ार से कम जिनका दिल्ली जैसे शहर या किसी भी बड़े शहर में और वहीं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है इनकम हो फैमिली इनकम उसको आप मिडिल क्लास नहीं कह सकते क्योंकि उनको रेंट देना पड़ता है उनके खाने का खर्चा है बच्चों के स्कूल का खर्चा है मेडिकल का खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी बिल है टेलीफोन का खर्चा है पानी का बिल है ये सब आप ले लीजिए तीस हजार रुपए महीने से ऊपर जिनका फैमिली इनकम हो एक आदमी का सैलरी नहीं फैमिली इनकम हो उसी को आप मिडिल क्लास कह सकते हैं, और ये कुल आठ प्रतिशत परिवार हैं। अब मैं लेता हूं जो थोड़े अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका सैलरी पचहत्तर से एक लाख रुपए महीना है मैनेजर लेवल के लोग हैं ऐसे सिर्फ नब्बे लाख लोग नब्बे लाख होंगे परिवार हमारे देश में जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा यानी कि तीन प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिसको हम अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं तो मैं अगर मिडिल क्लास ले लूं तो आठ और तीन लगभग ग्यारह प्रतिशत हमारे देश के जो आ, परिवार हैं जो कि लगभग आप देख लेंगे तीन दशमलव दो करोड़ के आसपास आएंगे या तीन दशमलव तीन करोड़ के आसपास परिवार आएंगे हमारे देश में इनको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं और दूसरी तरफ जिनको मैं कहूँगा जो गरीब लोग हैं जिनका इनकम आप सोच लीजिए कि साढ़े सात हज़ार महीने से कम है ये घर चलाना बहुत मुश्किल है पांच लोगों के साथ साढ़े सात हज़ार में आप जानते हैं जो आपके घर में काम करने आते हैं उनको भी दो तीन घर में काम करके इतना पैसा मिलता होगा और उससे भी वो गरीब ही रहते हैं ऐसे कामगार जितने हैं वो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 2020 में तेरह करोड़ तेरह करोड़ ऐसे परिवार हैं हमारे देश में जो जिनका फैमिली इनकम साढ़े आठ हज़ार से कम है तो आप सोच लीजिए कि तेरह करोड़ बहुत ज़्यादा होता है ना तेरह करोड़ ऐसे लोग हैं और हम जानते हैं कि सरकार ने भी अस्सी करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का बात किया है तो वो भी मानती है कि अस्सी करोड़ लोग तो हमारे देश में गरीब है खैर एक और मैं डेटा ले लेता हूं और यह है नाबार्ड का फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे और इसको 2017 में किया गया था इसमें जो ग्रामीण परिवार है उनका इनकम लिया गया था 2017 में ग्रामीण परिवारों का औसत इनकम औसत आय सिर्फ आठ हजार उनसठ रुपए थे आज के डेट में 30 प्रतिशत ग्रामीण जो परिवार है उनका इनकम महीने का चार हजार रुपए से कम है अब आप देखिए कोरोना वायरस पैकेज में इन लोगों को क्या मिला हुआ है अस्सी करोड़ लोगों को पांच किलो मुफ्त का आटा या चावल साथ में लगभग आठ दशमलव तीन करोड़ औरतों को वो आप देख लीजिए कि अगर हम परिवार देख ले तो आठ करोड़ परिवार होगा साढ़े सात करोड़ परिवार होगा फ्री एलपीजी साथ में कोरोना वायरस पैकेज में पीएम किसान के अंतर्गत आठ करोड़ उनहत्तर लाख किसानों को दो दो हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट जल्दी मिला है अप्रैल में जो जून के एंड में मिलने वाला था उन्नीस दशमलव यानी कि उन्नीस करोड़ साठ लाख ऐसे महिलाएं हैं जिनके जनधन अकाउंट uh, है उनको 500 सौ सौ रुपए तीन महीने तक मिलने वाले हैं तीन करोड़ विधवा हैं डिसेबल्ड हैं या सीनियर सिटीजन है जिनको भी पांच सौ सौ रुपए मिलेंगे अब आप देखिए इनको मैं टोटल कर लूं तो सोचिए कि अस्सी करोड़ में से आधों को ही सिर्फ मिलेगा चालीस करोड़ को बाकी पहुंचेगा नहीं नहीं पहुंचेगा एलपीजी जो ये कह रहे हैं आठ करोड़ से ज़्यादा घरों में जाएगा आप सोच लीजिए कि चार करोड़ घरों में जाएगा पाँच करोड़ घरों में जाएगा तो कुल अगर हम देख ले लगभग कम से कम कम से कम पाँच से छः करोड़ घरों को इस वक्त दो हजार रुपये मिलेंगे साथ में पाँच सौ रुपये मिलेगा जनधन अकाउंट से हो सकता है घर में विधवा माँ हो या पेंशनर बूढ़े पिता हो तो पाँच सौ रुपये और आ गए तीन हज़ार रुपये यहाँ पर हो गए साथ में एलपीजी फ्री आ रहा है और लगभग हर परिवार को 20 से 25 किलो मुफ्त का अनाज एक किलो दाल मिल रहा है और ये सिर्फ सेंटर से साथ में बहुत सारे स्टेट सरकार गवर्नमेंट्स ने भी पैसे दिए हैं केरोसिन दिया है मोमबत्तियाँ दिए हैं सब्जियाँ बांटी जा रही कई कई जगहों पे तो ये सब आप अगर जोड़ के देखें तो ये जो सबसे गरीब 20 प्रतिशत लोग हैं उनकी जितनी आय थी काम करके उतना ही आय या उत से ज़्यादा आय आज है लॉकडाउन के अंडर लेकिन मिडिल क्लास जिसको मैंने अभी बात की आप जानते हैं कि बहुतों की नौकरी गई है बहुत लोगों को फरलों पर भेजा गया है कहा गया है कि आप आ, छुट्टी ले लीजिए आपको इस वक्त सैलरी नहीं मिलेगी पे कट पे कट यानी कि जो सैलरी दिया जा रहा था बहुत लोगों का सैलरी 20 30 40 प्रतिशत काट दिया गया है बहुत ऐसे लोग हैं जहां पे लोगों को कहा गया है कि आप घर पे बैठिए तीन महीने बाद आ जाइएगा ई पर रोक लगी है तीन महीने की लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा बाद में ऐसे बहुत लोग हैं मिडिल क्लास में जिन्होंने कार लोन बाइक लोन ईएमआई पर घर ये सब ले रखा है लेकिन उस इस वक्त उनके पास कोई भी सैलरी नहीं है या सैलरी कम हो गया है या जो छोटा मोटा कारोबार करते थे इनका एक छोटा दुकान है या कोई कहीं पे कोई ट्रेड करते हैं ऐसे लोगों का ये पूरी आमदनी ठप हो गई है इनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है आप समझ लीजिए ऐसे बहुत सारे कारोबारी हैं छोटे बिजनेस के लोग हैं जिन्होंने अपने सबके सब लोगों को नौकरी से नहीं निकाला आधे लोगों को निकाला होगा आधे लोगों को छुट्टी पे भेजा होगा लेकिन आधे लोगों को आज भी पैसे दे रहे हैं इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो लोन लेके पैसे दे रहे हैं या अपना जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ था उससे निकाल कर पैसे दे रहे हैं ऐसे स्थिति में जो मिडिल क्लास है उनके लिए कुछ नहीं है लेकिन उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है वो इस वक्त फंसे हुए और हालत और भी बुरी होने वाली है ठीक नहीं होने वाली है क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों ने कहा है कि इस साल हम कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे या इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं देंगे सैलरी कट होने वाली है तो आप देखिए कि मिडिल क्लास क्या करती है मिडिल क्लास शाम को टीवी पर हिंदू मुस्लिम का खेल देखती है उनको लगता है कि अरे ये तबलीगी वालों ने ये सब किया है सब तो बिल्कुल ठीक था वो खुश होते जब पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा कहा जाता जाता है 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 कि पाकिस्तान तो बिल्कुल बेकार है। अब लीजिए इसी हिंदू मुस्लिम के खेल में आपका पैसा गया आपकी नौकरी जा रही है आपको सरकार कुछ भी नहीं दे रही है न्यूज क्लिक की डेली राउंड अप में बस आज इतना ही इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर फॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते रहिए न्यूज़ क्लिक धन्यवाद